मुसलमान दुनिया की रंगीनियों और ऐशो इशरत में खो जाने के लिए नहीं है और ना ही ऑर्डिनरी पर्सन है, बल्कि वो मुजाहिद है। इस ख्याल का इजहार ज़ियाउद्दीन नय्यर, नायब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत हैदराबाद, सदर इकबाल अकेडमी हैदराबाद ने किया है। वो कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान, उलमा व दानिश्वरान के इजलास को मुखातिब कर रहे थे, जो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ऐवानी उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद गुलबर्गा में मुनक़िद हुआ। ज़ियाउद्दीन नय्यर ने मज़ीद कहा कि हमें अपने हीरोज़ की इनकलाबी ज़िंदगियों का मुतालिया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस्लामी हीरोज़ को बदनाम किया जा रहा है ताकि मुसलमान जमूत का शिकार हो जाएं। ज़ियाउद्दीन नय्यर ने मज़ीद कहा, आज मुसलमानों की पसपाई और ज़िल्लत की वजह उनका दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहियत करना है, और ये मर्ज़ वहन की अलामतें हैं जिनका इशारा हुज़ूर अकरम ने दिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान गालिब होने के लिए है और गलबा हासिल करने के लिए कुरान ने मोमिन होने की शर्त रखी है। ज़ियाउद्दीन नय्यर ने कुरान मजीद को तमाम जदीद साइंसी उलूम का माखज़ करार देते हुए कहा कि इल्म को फ़रोग देने के बजाय उसे पोशीदा ख़जाने की तरह रखना बदतरीन क़यानत है। उन्होंने कहा कि केरला ऐसी रियासत है जहाँ मुसलमानों के तालीम याफ्ता होने का तनासुब 99% है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा में मुसलमानों को ये हदफ हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। कबल अज़ीम मौलाना मोहम्मद जिलानी बाकवी की खिरत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। ज़हीर शेख जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा ने इकबाल अकेडमी के सदर मुंतखब होने पर ज़ियाउद्दीन नय्यर की शालपोशी और गुलपोशी की। हैदर अली बागबान नायब सदर तामीर मिल्लत गुलबर्गा ने उमर अहमद शफीक आर्गनाइज़र कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत हैदराबाद की शालपोशी और गुलपोशी की। काजी डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी सदर काजी गुलबर्गा ने ज़ियाउद्दीन नय्यर और उमर अहमद शफीक की शालपोशी और गुलपोशी की। सीनियर साहब यजुल्ला शर्मा मस्त आर्गनाइज़र कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत कर्नाटक ने कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा की आमेला के इजलास की रुएदाद आमेला के इजलास में मंजूर की गई करारदाद पेश की। उमर अहमद शफीक ने मिल्लत के नौजवानों और तलबा की जहन साजी करने पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान और तलबा जो मिल्लत का मुस्तकबिल हैं, मोबाइल गेम्स और इंटरनेट की लानत में बुरी तरह मुब्तला हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमानों में ऐश पसंदी और आराम तलबी आ गई है, जिसकी वजह से ईमानी हरारत सर्द पड़ गई है। उमर अहमद शफीक ने तामीर मिल्लत के मरहूम कायद मौलाना सुलेमान सिकंदर के हवाले से कहा कि इस्लाह के 3 उसूल होने चाहिए। पहला खुद की इस्लाह, दूसरा घर की इस्लाह, तीसरा मोहल्ले की इस्लाह। अगर मुसलमान खुलूस से नीयत के साथ इन उसूलों पर अमल पैरा हो जाएं तो माशरे में यकीनन ज़बरदस्त इनकलाब आएगा। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट सदर तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा ने सदारत की। उन्होंने सदारती तकरीर में मरकज़ की मोदी हुकूमत की नाकामियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि दीगर तबक़ात के साथ भी नाइंसाफियाँ और ज़्यादतियाँ रवा हैं। उन्होंने इस बात पर सख्त इज़हार तासुफ़ किया कि मुसलमानों में मिल्ली तालीमी सियासी मसाइल पर संजीदगी नहीं पाई जाती, अक्सर जज्बातियत और सतही रद्दअमल से नुकसान उठाना पड़ता है। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने मज़ीद कहा कि आमतौर पर मुसलमानों में मसाइल का शऊर नहीं पाया जाता। जब तक हम मसाइल से वाकिफ नहीं होंगे, उनकी एक सोई की राह कैसे मुतय्यन करेंगे। बल्कि हमको इल्म की जस्तजू करते रहना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम जरूर जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, लेकिन साथ साथ तुम्हारी लड़कियों को तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमति, और तो बच्चों को भी तालीम दिलाना जरूरी है। तो इंशाल्लाह केरला में मुसलमान जो है 99% जो है तालीम से आरास्ता है। ये बात गुलबर्गा में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में क्यों नहीं हो पाती? हमको वो महरूम करना चाहते हैं। नया तालीमी प्लान जो दिया गया है, बड़ी
شاطرانہ چال سے ہمارے مملکت میں یا ہمارے قانون میں یہ ہے کہ ہماری مملکت کا ہماری حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. یہ ہے صحافت کے ہندوستان کے دستور میں کہ ہندوستان کی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے اور نہ یہ کوئی سی مذہب کی تائید کرے گی. لیکن اس کے بعد میں یہ ہوگا کہ نئی تعلیمی پالیسی جب آئے گی تو اس میں آپ کو مہابھارت پڑھایا جائے گا, اس میں آپ کو رامائن پڑھایا جائے گا, ان میں اس میں مختلف ہندوؤں کے جو ان کے جو کتابیں وہ کتابیں پڑھائی جائے گی. مسلمانوں کی کتابیں تو چھوڑ دیجئے, دور دور تک اس کا نام نہیں ہوگا.